नमस्कार जी, मैं डॉक्टर नवजोत सिंह, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसका कि कोई कारण नहीं होता। हमारा जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, वो हमारे अपने ही सेल्स को अटैक करता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है। ये कौन से सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, ज्यादा अटैक करता है? ये कॉमनली जो अटैक करता है वो सॉफ्ट टिश्यूज, कार्टिलेज और बोन को ये इन्वॉल्व करता है। ये हार्ट को भी और लंग्स को भी या किडनी को भी इन्वॉल्व कर सकता है या अटैक कर सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस किन पेशेंट्स में ज्यादा कॉमन होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो कारण है वो अभी तक भी क्लियर नहीं है, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि जैसे कि फीमेल्स में ये ज्यादा कॉमन होता है। एज ग्रुप 40-60 वाले पेशेंट्स में ये ज्यादा पाया जाता है, मोटापे वाले पेशेंट्स में ये ज्यादा पाया जाता है, या स्मोकर्स में इसकी सिवियरिटी काफी बढ़ जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के क्या क्या लक्षण होते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं स्पेशली ज्वाइंट पेन्स के साथ, जिसमें कि पेशेंट कहता है कि हमको ज्वाइंट में पेन है, स्पेशली हाथ के और पैरों के जो छोटे जोड़ है उनमें पेन होती है। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस इसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है। पेशेंट को जब सुबह उठते हैं तो उसके जो हाथ और पैरों के जोड़ होते हैं उसमें काफी जकड़न होती है, जो कि दिन में जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करता है वो जकड़न काफी कम हो जाती है। तीसरा, स्वेलिंग होती है जॉइंट्स में। चौथा, कभी कभी इसमें रेडनेस भी आ जाती है। और एडवांस स्टेजेस में जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उसमें ये डिफॉर्मिटी बन जाती है, जैसे कि हाथ और पैरों की उंगलियों में टेढ़ापन आ जाना, कोई भी जो जॉइंट्स इन्वॉल्व है वो भी टेढ़े हो जाते हैं। मोस्टली हैंड और फीट के जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये और भी जॉइंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि नी, शोल्डर, एंकल या एल्बो, किसी भी जॉइंट को इन्वॉल्व अटैक कर सकता है और उसमें सिम्टम्स दे सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट मोस्टली मेडिकल मैनेजमेंट होता है, जिसमें कि मेडिसिन से ही पेशेंट को सिम्टम्स फ्री किया जाता है। इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स जो होती हैं वो स्टीरॉइड्स होती है। नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं पेन के लिए और स्वेलिंग कम करने के लिए, और समटाइम्स कभी कभी कोई कीमोथेरेपी एंड ड्रग्स देते हैं या कोई एंटी मलेरिया ड्रग्स भी दी जाती हैं। ये सारी जो मेडिसिन होती हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकेशन होता है। अगर किसी पेशेंट्स में इसका रिलीफ नहीं आता है तो हमको सेकेंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट देते हैं, जिसमें कि हम डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस ड्रग्स देते हैं, जो कि पेशेंट के इम्यून सिस्टम को रेक्टिफाई करता है और ये डिसीज की सिवियरिटी कम करता है। थैंक यू।